सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री लोक प्रधानमंत्री थे। 1918 के बाद गांधी जी के बाद सरदार पटेल ही थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के एक वर्ष पहले से ही भारत को एकीकृत करने का प्रयास आरंभ हो गया था और इस प्रयास को पूरा करने के लिए सरदार पटेल को लगाया गया और उन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और भारत की 562 देशी रियासतों से बात की और उनको भारत में विलय के लिए मना लिया। सरदार पटेल को ही आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की परिकल्पना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब किया था जब वह गुजरात के सीएम थे। 2011 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का गठन किया गया ताकि इस कल्पना को सही रूप दिया जा सके। इसके लिए गुजरात में स्थित सरदार सरोवर डैम के नज़दीक ही साधुपेट नामक स्थान को चुना गया जो कि सरदार पटेल की जन्मस्थली भी है। गुजरात में कुल 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस मूर्ति की ऊंचाई को 182 मीटर रखा गया है। यह 61 मंजिला इमारत के बराबर होती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति के आधार में प्रवेश द्वार, म्यूजियम और लिफ्ट हैं। लिफ्ट से इस मूर्ति में स्थित 135 मीटर ऊंचाई पर एक गैलरी है जहां से इस सरदार सरोवर डैम की खूबसूरती को देखा जा सकता है। इस गैलरी से पूरा सरदार सरोवर का नज़ारा दिखता है। इस प्रतिमा को तराशने का कार्य राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राम विसुतार को सौंपा गया था। उन्होंने कई सारी कलाकृतियां बनाई हैं। भूमि की चट्टानों को समतल किया गया और उसको इस परिमाप पर मापा गया कि क्या यह मूर्ति की 78,900 मैट्रिक टन वजन को सह पाएगी कि नहीं। 1500 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके इस जमीन को मूर्ति के रखने लायक बनाया। इसमें 18,500 मैट्रिक टन स्टील का भी प्रयोग किया है। 159,078 गाँवों से 135 मैट्रिक टन औजारों को इकट्ठा गया और उन्हें पिघला करके स्टील का निर्माण किया गया और ये भारत की एकता का एक प्रतीक है। इन स्टील का प्रयोग इस मूर्ति के आधार में किया गया है। सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि इनके पैरों के बीच 12 फीट का गैप था। दुनिया की जितनी भी मूर्तियां हैं उनके पैरों के बीच कोई भी गैप नहीं है और इसलिए उनका आधार बहुत ही मजबूत है और उनको बनाना भी आसान है। इन गैप को दुनिया की सबसे बड़ी इस मूर्ति की इस चुनौती को पूर्ण करने के लिए इस मूर्ति के पैरों के बीच एक एक पिलर बनाया गया और उनकी अंदरूनी दीवारों को 5 फीट से भी मोटा बनाया गया ताकि ये और भी मजबूत हो सके। यह मूर्ति 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती तेज हवाओं को भी झेल सकती है और बड़े भूकंप के झटकों को भी झेल सकती है। मजबूत पकड़ के लिए इसके अंदर ट्यून्ड मास डैम्ड का भी प्रयोग किया गया है जो कि भूकंप के झटके को काफ़ी कम कर देती है और मूर्ति को स्थायी बनाए रखती है। मूर्ति का ऊपरी हिस्सा जो है कांसे से बना हुआ है। कांसा, टीन, तांबा तथा स्टील से बना होता है और यह बहुत ही मजबूत होता है। कांसा ढालने का कार्य फोर्जिंग में किया जाता है और भारत में कुल 1100 फोर्जिंग हैं। इतने बड़े कार्य को करने के लिए ये भारत में पर्याप्त नहीं था, इसलिए इस कार्य को चाइना में किया गया। चाइनीज कंपनी जिंगजियांग टोंगचिंग मेटल हैंडलिंग क्राफ्ट दुनिया भर में ऐसी कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए फेमस है और इसलिए इस बड़े कार्य को करने के लिए इस कंपनी का साथ लिया गया। पहले राम सुतार द्वारा बनाए मूर्ति का डिजाइन 3D में कन्वर्ट किया गया, उसे बड़ा किया गया और मूर्ति के सभी पार्टों को अलग अलग सांचे से बनाया जाना था। यह कार्य राम सुतार के निगरानी में ही किया गया था। इस मूर्ति के टोटल 6,659 भाग थे और इन भागों को वहां से बनाने के बाद गुजरात में लेके आया गया और वहां यहां इसको एक पजल की तरह सुलझाने का कार्य किया गया और इसको तैयार किया गया। इस प्रतिमा को तैयार करने पर 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इस प्रतिमा ने दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा होने का सम्मान भी पाया है।